नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार चौक में। देश में एक साथ कई बिल और एक्ट पास होने के बाद अब जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। यह जानकारी एनआई के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। सितंबर 2019 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम सरकार के कार्यों को अंजाम नहीं दे सकते, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अमल करवाना अदालत का कार्यक्षेत्र नहीं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार की ओर से 2000 में गठित वेंकट चलिया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट अखबार जगत। ऐसे तरह के वीडियोज़ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।